नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं से समथिंग। दोस्तों, बैक टू बैक कटअप ऐसे आ रही है जैसे लग रहा है आप लोग का एडमिशन होगा ही नहीं। आप लोग इतने ज़्यादा बड़ी हो एंड इतने सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो। इनफैक्ट मैं कितने भी बिजी रहूँ एंड मुझे भी इतने सारे काम है, असाइनमेंट है, मेरा टेस्ट है, मैं फिर भी आप सबको रिप्लाई करती हूँ। एंड मैं उसमें आपको एक ही चीज़ बता दूँ कि आप अभी पेशेंस रखो। एंड मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 5 ट्रिक्स बताया कि अगर आपके कम परसेंटेज आएंगे तब भी आपका एडमिशन कैसे होगा। तो आप उस वीडियो को देख लो, अच्छे से समझ लो एंड उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं आपको आपके हर क्वेश्चन का मैं आंसर दूँ, बट अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आई थिंक आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो देख लेना। सो आज की इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि आई हैव ऑलरेडी मेक अ वीडियो इन विच आई हैव टोल्ड अबाउट कि कॉलेज जाने के बाद आपको 5 गलतियाँ हैं वो कौन सी हैं जो नहीं करनी हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करूँगी एंड वही बताऊँगी कि आपको वो 5 गलतियाँ नहीं करनी है एंड अपना फर्स्ट ईयर है वो बहुत ही अच्छे से स्पेंड करना है। बिकॉज फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत ही स्पेशल होता है एवरेज स्टूडेंट के लिए, बिकॉज उसमें बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है जानने की हर चीज़ को कि चीज़ें जो हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। एंड आउटसाइडर होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, नॉट ओनली इन दिल्ली, इनफैक्ट आप जहाँ भी एडमिशन लेते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो एंड आप उस प्लेस पे नए हो, उस सिटी में नए हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक डर रहता है। एंड एक हॉस्टल पीजी और फ्लैट में आप फर्स्ट टाइम ऐसे रहते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि आप कैसे रहोगे, कैसे अपना साल है वो अच्छे से स्पेंड करोगे एंड नई जगह पे आप कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, कैसे आप वहाँ की चीज़ों को समझोगे। तो इस वीडियो की मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपको और कौन कौन से काम है जो नहीं करने हैं और करने हैं। फर्स्टली आई वुड लाइक टू से दैट कि कॉलेज जो है वो बहुत ही हमारा प्यारा सा एक लाइफ का एक पार्ट है, तो उसे हम बहुत ही अच्छे से स्पेंड करें तो बहुत ही अच्छा होगा। बिकॉज जो फर्स्ट ईयर है वो हमारे दोनों रिमेनिंग ईयर पे डिपेंड करता है कि हम अपना फर्स्ट ईयर अगर वो अच्छे से स्पेंड करते हैं तो बाकी जो हमारा ईयर है वो बहुत ही अच्छे से इजली एंड स्मूथली स्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना फर्स्ट ईयर ही बेकार कर दोगे तो बाकी 2 साल आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे एंड आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज में रहना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि आपको आगे क्या क्या करने हैं एंड वो क्यों करने ज़रूरी हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम अगर आउटसाइडर हैं या अगर नहीं भी आउटसाइडर हैं तो हम अपने कॉलेज लाइफ में अपना एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखना पड़ेगा। हम ये चीज़ तभी कर सकते हैं जब हम ट्रैवलिंग करेंगे जाते। अभी कोविड का टाइम है इनफैक्ट, बट अब तो ट्रिप वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गए हैं, आप कहीं भी जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो ये जो टाइम है आप आप ज़्यादा प्लेसेस पे घूमोगे अपने दोस्तों के साथ, तो आप ज़्यादा चीज़ों को समझोगे कि कौन सी जगह पे क्या से क्या चीज़ है एंड आपके लिए वो कैसे यूजफुल होगा। तो आपको फर्स्ट तो ये करना है कि अपना जो फ्रेंड सर्किल है वो बनाना है। एंड मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियो में कि जो आपको फ्रेंड सर्किल है वो सिर्फ अपना लोकेलिटी या फिर एरिया वाइज देख के नहीं बनाना है कि ये मेरे एरिया से है, मेरे सिटी से है तभी मैं इसे दोस्ती करूँगा या मेरे स्टेट से है। आपको अगर अलग अलग स्टेट के लोग मिल रहे हैं तो आपके साथ अपना फ्रेंड सर्किल है वो बनाओ एंड अपना ग्रुप बनाओ। उनके साथ आप किसी वेकेशन पे, हमेशा तो नहीं कहूँगी मैं, बट ऐसे जो स्पेशल ओकेजन है आप वहाँ पे कहीं ट्रिप पे चले जाओ। बिकॉज आप ट्रिप पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आई थिंक यू शुड ट्राई इट। एंड सेकेंड मैं आपको ये बता दूँ कि आप जैसे छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं हर कॉलेज के पास इनफैक्ट होती हैं, नॉर्थ कैंपस हो या साउथ कैंपस हो, तो आप उन छोटी छोटी दुकानों पे टी स्टॉल हो, नुक्कड़ कहते हैं मोस्टली जो टी स्टॉल होता है दिल्ली में, तो आप वहाँ पे जाओ। मैगी शॉप है, आप छोटी छोटी दुकानों पे जाओ, जैसे आप आजकल देख रहे हो बाबा का जो ढाबा है वो कितना फेमस है, तो ये जो छोटी दुकानें वाले हैं वो आपको कम पैसे में बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें दे देंगे। इससे क्या होगा कि आप फूड को टेस्ट करोगे, आप समझोगे कि कौन सी चीज़ सही है। एंड आप कॉलेज टाइम में तो हमारे पास उतना पैसे नहीं होते हैं, हमें घर से भी पॉकेट मनी मिलते हैं। इनफैक्ट तब जब हम अपने घर से बाहर हैं, हम हॉस्टल या पीजी में रहते हैं, तो हमें बहुत ही सोच समझ के अपने पैसों को एक्सपेंस करना होता है। तो हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं, उस लिमिटेड पैसे में हम अगर कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो हम ये स्ट्रीट फूड जो होते हैं दिल्ली में काफ़ी फेमस है, तो हम उसमें बहुत ही अच्छा खा सकते हैं एंड उन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है
एंड उसके अलावा दूसरों को रिकमेंड करेंगे कि वो वहाँ पर भी जाए। क्या होगा कि आप जो है अपने पैसे को भी सेव करोगे और उन लोगों की भी आप हेल्प कर दोगे जो बेचारे कोविड के वजह से काफ़ी दिनों तक उसका काफ़ी लॉस हुआ है। तो आई थिंक आप इतना समझ गए हो। एंड मैं आपको बता दूँ कि स्ट्रीट फूड वगैरह तो आप खा लिए, लेकिन आपको थोड़ा कैफ़े वगैरह भी जाके देखना होगा। ये नहीं कि आप बस स्ट्रीट ही खाओ, कि आप कैफ़े वगैरह का चीज़ें टेस्ट ना करो। आपको हाँ कभी कभी साल में बर्थडे पार्टी हुआ है जो भी हुआ, तो आप वहाँ पे कैफे में भी जाओ, चीज़ों को समझो। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बिकॉज इसके बाद जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपके पास उतनी सारी समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जब कॉलेज में आए तो सिर्फ आप कॉलेज के अंदर ही रहो, आप कॉलेज के बाहर जाओगे। इनफैक्ट आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप बाहर जाओगे, आप चीज़ों को समझोगे कि किसकी कौन सी चीज़ की कितनी प्राइस है, कैसा लोकेलिटी है, कैसे सिचुएशन है वहाँ का। तो आप इन सारी चीज़ों को समझोगे एंड आगे भी अगर आपको कुछ करना होगा, अगर आपको भी अपना रेस्टोरेंट वगैरह खोलना होगा या कुछ भी करना होगा, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, बिकॉज आप इंट्रैक्शन में ये होगा कि आप चीज़ों को समझोगे। ये नहीं है कि आप उन पर अपना टाइम वेस्ट करना, बट हाँ अगर आप आपसे कोई बात करे तो आप सिंपल स्माइल अपना देके एंड जो भी थोड़ा बहुत बात करना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप बात करना। इससे क्या होगा कि आगे कभी भी आपको आपका जो 3 ईयर्स जो है वो कंप्लीट होगा तो आपको लगेगा कि हाँ आपने जो कॉन्टैक्ट है वो अपना बनाए हैं, इतने सारे लोगों को आपका नाम है वो याद है। एंड लास्टली मैं आपको बता दूँ कि आपको इंटर्नशिप करना होगा, बिकॉज कॉलेज का जो 3 साल है आप उस बीच इंटर्नशिप कर सकते हो। हाँ आप इस समर वेकेशन में कर सकते हो, बिकॉज उसमें टू मंथ्स का छुट्टी रहता है। तो उसमें इंटर्नशिप से क्या होगा कि आपके पास इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट रहेगा, देन आप कॉलेज जब पास आउट कर लोगे तब आपको जॉब वगैरह के लिए इजिली ऑफर मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि इंग्लिश ऑनर्स करने, हिंदी ऑनर्स करने के बाद कोई मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हो। अब आप आगे इंजीनियर बनना चाहते हो तो मैं आपको ये तो नहीं ना कहूँगी कि आप हिंदी ऑनर्स ले लो, इंग्लिश ऑनर्स ले लो, तब तो आपको बीटेक ही करना होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। बट हाँ अगर कुछ रिलेटेड है तो मैं ज़रूर बताती हूँ। एंड अभी भी कहूँगी अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लेना। बट हाँ मैं इंटर्नशिप का बता रही थी कि आपको इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी कुछ अर्निंग भी होगी। अगर अर्निंग वाला नहीं भी है, लर्निंग वाला ही है सिर्फ उसमें, तो आप वो भी करना, बिकॉज आपको सर्टिफिकेट हर तरह से मिलेगा। आप अर्निंग करके भी करोगे तब भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड आपको वो पैसे नहीं देंगे फिर भी आपको जो है सर्टिफिकेट वो आपको ऑफकोर्स देंगे। तो आप इंटर्नशिप ज़रूर करना। एंड मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप ट्रिप वगैरह पे आप ज़रूर जाना। तो अगर आपको ट्रिप वगैरह पे जाना है, आप सोच रहे हो कि आप कैसे जाओगे अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज आप फर्स्ट ईयर में हो, आप आउटसाइडर हो, तो आपको इतना नहीं पता है कि ट्रिप वगैरह पे कैसे जाना है। तो मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली में बहुत सारे, इनफैक्ट आपके कॉलेज में ही आप देखना जब विंटर का टाइम रहेगा तो उसमें बहुत सारे पोस्टर वगैरह सटे हुए मिलेंगे जिसमें लिखा रहेगा कि आप 3000 में, 4000 में 2 नाइट स्टे आप ऐसे करके बुक कर सकते हो। तो एक वो भी अच्छा तरीका है। एंड बट मेरे पास भी आपके लिए ऑप्शन है एंड 10% का डिस्काउंट है। अगर चाहते हो कि आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मुझे कॉमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूँगी कि उसका कैसे क्या प्राइस है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे। सी समथिंग। थैंक यू सो मच।